हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ज्योजस स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता, और मैं आप लोगों के लिए डैम्स, जिसे हम बांध कहते हैं, उसे जुड़ी जानकारी देने आई हूँ। जैसा कि मैं 5 वीडियोस में कंप्लीट कर चुकी हूँ, टोटल 5 वीडियो में मैं टोटल 13 राज्यों के डैम्स के बारे में पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज़ हमारे इन वीडियोस को देखिए और लाभ उठाइए। तो आज मैं कुछ डैम्स और हैं जिनको कवर करूंगी, जो हमारे राज्य हैं तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना। इन 3 राज्यों के डैम्स को मैं कवर करने वाली हूं, साथ में रिवीजन भी करवाने वाली हूं। जैसा कि मैं बता चुकी हूं, मैं ये सब करा चुकी हूं आप लोगों को। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा 14वां राज्य तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा? 14th स्टेट तमिलनाडु। इसमें कितने हमारे डैम्स बने हुए हैं? तमिलनाडु में हमारे टोटल 6 डैम हैं। इसमें से पहला है कावेरी। कावेरी नदी पे जो डैम बना हुआ है उसको कहते हैं मैटूर डैम। फिर आता है दूसरी नदी अमरावती। अमरावती पे जो डैम बना हुआ है उसका नाम अमरावती डैम ही है। वैगई पे जो डैम बना हुआ है उसका नाम भी वैगई डैम है। और पोनियार पे जो डैम बना हुआ है उसका नाम है, क्या नाम है? कृष्णागिरी। ठीक है, कृष्णागिरी डैम। और हमारी कावेरी पे जो डैम बना हुआ है उसका नाम मैटूर है, या मैतूर कह लो। फिर हमारा आता है पेरिया ओडियाई। इस पे जो हमारा डैम बना हुआ है, पेरिया ओडियाई नदी पे जो हमारा डैम बना हुआ है उसका नाम है विलिंगटन डैम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे तमिलनाडु में टोटल 6 डैम है। एक है कावेरी नदी पे मैटूर, अमरावती नदी पे अमरावती, और वेगई पे वेगई, पोनियार पे कृष्णगिरी, और कावेरी पे मैटूर, पेरिया ओडियाई पे विलिंगटन। अब आगे चलते हैं, हमारा आता है केरला राज्य। केरला राज्य में हमारे कितने डैम हैं? केरला राज्य में हमारे 3 डैम हैं। पहला है पेरियार नदी पे, कौन सा है? इदुक्की डैम। ठीक है, और दूसरा भी पेरियार नदी पे है। पेरियार नदी पे दूसरा डैम है हमारा मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है, क्या नाम है? मुल्ला पेरियार डैम। तीसरा है हमारा नेयार। ठीक है, नेयार नदी पे हमारे नेयार डैम बना हुआ है। ठीक है, तो केरला में हमारे 3 डैम हैं। एक है पेरियार, दूसरा है पेरियार नदी पे 2 डैम हैं, इदुक्की और मुल्ला पेरियार, और नेयार पे है नेयार डैम। फिर आता है हमारा 16th स्टेट, वो है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे जो लगता है उस पे जो डैम बने हुए हैं उनकी जानकारी है यहाँ पे। तो पहला है हमारा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे जो हमारा डैम बना हुआ है उसका नाम है नागार्जुन डैम। फिर कृष्णा नदी पे दूसरा डैम भी बना हुआ है उसका नाम है श्रीशैलम। ठीक है, क्या नाम है? श्रीशैलम डैम। क्या नाम है? श्रीशैलम डैम। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरी नदी आती है गोदावरी। गोदावरी पे हमारा कौन सा बना हुआ है? श्री राम सागर डैम। और फिर आता है हमारा मंजीरा। ठीक है, मंजीरा नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है? निज़ाम सागर डैम। फिर आता है, फिर मंजीरा नदी पे दूसरा डैम बना हुआ है सिंगूर। ठीक है, सिंगूर डैम। फिर आता है गोदावरी नदी पे हमारा दूसरा डैम बना हुआ है, इसका नाम है रामगुंडम। ठीक है, रामगुंडम डैम। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कृष्णा नदी पे हमारे कितने डैम बना हुए हैं, तेलंगाना में हमारे कितने डैम हैं? टोटल 6 डैम हैं। एक दो हैं कृष्णा नदी पे, 2 हैं गोदावरी पे, 2 हैं मंजीर पे। कृष्णा नदी पे जो डैम बना हुआ है उसका नाम है नागार्जुन डैम, और श्रीशैलम डैम। गोदावरी नदी पे जो डैम बना हुआ है उसका नाम है श्रीशैलम, और रामगुंडम। मंजीरा नदी पे जो डैम बना हुआ है उसका नाम है क्या? निजाम और सिंगू। तो ये हमारे टोटल इस तरीके से 16th राज्य के हमारे कवर हो चुके हैं डैम्स। तो अगर आपने हमारे बाकी डैम्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट
में जी के ज्ञान में जाके आप देख सकते हैं। और हमारी अगर आपको हमारी वीडियोस में दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल जोजस स्टडी को सब्सक्राइब करें और उसके पास में लगे बेल आइकन को हिट करें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब हमारी वीडियोस अपलोड हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारी वीडियोस को हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये बात कि अगर आपको किसी तरह का कोई सजेशन देना है या कुछ पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर भी जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 1 लिखिएगा, अगर वीडियोज़ आपको नहीं अच्छी लगी हो तो 2 लिखिएगा, पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आगे हमारे 3 राज्य और रह गए हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। इनकी जानकारी मैं कल दूँगी, ठीक है। और कल की वीडियोज़ में इनकी जानकारी होगी तो मैं अब चलती हूँ। ओके, बाय बाय।